हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मेरा जो ये वीडियो है वो मैं हिंदी में करने वाली हूँ। और आज एक फीडबैक देने वाली हूँ एक पर्टिकुलर फाउंडेशन का, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज सडनली ये वीडियो मैं हिंदी में क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे एक बहुत एक्साइटेड स्टोरी है जो मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा आज तक जो भी वीडियो था सब इंग्लिश में था, और एक वीडियो जो कि बांग्ला में था, जो पहला वैशाख यानी कि बंगाली फर्स्ट ईयर फर्स्ट न्यू ईयर डे का मेकअप ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ था। लेकिन आज मैं ये वीडियो हिंदी में शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब का पहला पब्लिक कमेंट मुझे मिला है, और ये मेरे लिए बहुत ही भले ही वो एक कमेंट है, लेकिन बीइंग अ वेरी न्यू यूट्यूबर ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड न्यूज़ है कि मेरा एक फर्स्ट कमेंट आया हुआ है। और उसमें मुझे बोला गया है कि मुझे हिंदी में वीडियो डालना चाहिए, तो डालूँ। तो मेरा जो प्लान था यूट्यूब का चैनल का, तो मुझे इंग्लिश में ही वीडियो डालना था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बीच बीच में हिंदी और बांग्ला में वीडियो डालती रहूँ। तो आज के जो वीडियो है एक फीडबैक वीडियो है, और मेरा कोइंसिडेंटली मेरा जो फर्स्ट कमेंट था वो भी एक फीडबैक वीडियो में ही पड़ा था, जो कि पैराशूट का जो बॉडी जेल है उसका जो मैंने फीडबैक वीडियो दिया। अभी ये एक वीडियो है जो कि फीडबैक वीडियो है, और ये एक फाउंडेशन वीडियो है। तो इस फाउंडेशन को क्या फाउंडेशन है, क्या इसका बेनिफिट है, ये मैं आपको बताऊंगी। बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑयली स्किन का जो लोग ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग हैं, जैसे कि मैं खुद ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के अंडर में पड़ती हूँ, तो कि ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है कि मार्केट रिसर्च करना। क्योंकि आप मार्केट रिसर्च ना करके आप अगर प्रोडक्ट खरीदोगे, अप्लाई करोगे, तो आपका जो फेस है उसका तो तौबा तौबा हो जाएगा। क्योंकि आपका जो ऑयली स्किन है उसमें बहुत डेलिकेट है, और कॉम्बिनेशन स्किन बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन का जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे उसका आप बेनिफिट पहले गूगल में सर्च कीजिएगा, उसका प्रोज एंड कॉन्स गूगल में सर्च कीजिएगा, या फीडबैक गूगल में सर्च कीजिएगा, फिर वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि जो फीडबैक मैं दे रही हूँ वो एक ऑनेस्ट फीडबैक हो, और जो मैं खुद भी मैं अप्लाई करूँ। तो आज का जो वीडियो है वो ये फाउंडेशन जो है ये है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। सॉरी, मेरा कैमरा जो है वो शायद फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, जो कि मैंने अभी अप्लाई करी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई करी हुई है अपनी फेस पे। ये जो फाउंडेशन है ये बहुत अच्छा है ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। और चलिए, इसका फीडबैक आपको बताने से पहले, इसका प्रोज एंड कॉन्स आपको बताने से पहले, मैं चली जाती हूँ एप्लीकेशन की तरफ, फिर वापस आते हैं एप्लीकेशन करने के बाद। हेलो गाइस, तो मैंने अपनी फेस को दो हिस्सों में बांट के मैं ये फाउंडेशन लगाऊंगी, और इस फाउंडेशन का एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे फेस का जो दाहिना तरफ है राइट साइड है, और आपका जो लेफ्ट साइड है उसमें मैं स्पंज यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी, और मेरे फेस का जो बाएं तरफ है और आपका जो दाहिना तरफ है उसमें ब्रश यूज़ करूँगी। तो चलिए मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ। और इसके एप्लीकेशन के पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने फेस को प्रॉपरली प्राइम और मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ, और थोड़ी बहुत काजल मेरे आँखों पे है क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी। अभी मैं आपको ये एप्लीकेशन दिखाऊंगी। तो मैंने अपनी फेस की राइट तरफ और आपके लेफ्ट तरफ स्पंज यूज करूंगी, ब्यूटी ब्लेंडर है, थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा भी हो गया है, और
वीडियो दे रही हूँ जो कि बहुत ही सही है मेरे फेस के लिए। तो अभी मैं अपनी स्पॉन्ज लूँगी, अभी मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, मैं अपनी दाहिने तरफ अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से ये ब्लेंड करूँगी। हैंड मिरर ले लेती हूँ, तो जो कि आप देख चुके हैं कि मैंने अपनी दाहिने तरफ यानी कि राइट साइड और आपकी लेफ्ट साइड में अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और मुझे पर्सनली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत आसानी से आप ब्लेंड कर सकते हो और ये बहुत ही खूबसूरत फिनिश देता है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरे फेस पे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तक। चलिए देखते हैं कि अभी मैं अपनी लेफ्ट साइड यानी कि आपकी राइट साइड में ब्रश यूज़ करके ब्लेंड करूँगी कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। लेट्स गो। तो ये मैं अपना कबुकी ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट एक ब्रश है। ये मैंने पहले भी इसका एप्लीकेशन दिखाया हुआ है अपनी पॉयला बोईशाक मेकअप ट्यूटोरियल पे, जिसका लिंक मैं बॉटम बार में दे दूँगी। और ये पैक का आप देख सकते हैं, पैक का कबूकी ब्रश है, और कबूकी ब्रश जो होता है बहुत ही सही होता है फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। और इसका जो नंबर है ये 252 है, शायद आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, ये 252 नंबर का कबूकी ब्रश है। तो चलिए इसके साथ मैं ब्लेंड करती हूँ। थोड़ा मैं हैंड मिरर से देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो ब्रश वाला ब्लेंडिंग साइड है उसमें थोड़ी बहुत वाइप आउट जैसे हो रहा है फाउंडेशन, जो कि ब्रश बहुत ज़्यादा सोक कर लेती है और ब्यूटी ब्लेंडर भी सोक करती है, लेकिन थोड़ा सा कम सोक करती है। तो इस वाले मेरी राइट साइड वाले जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फिनिश दे रहा है, और मेरे लेफ्ट साइड वाले जो फिनिश है वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसके जैसा। आप देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड में जो फिनिशिंग है बहुत सही आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, और मेरे लेफ्ट साइड में जो फिनिशिंग है जो मैंने ब्रश ब्लेंड किया है वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा लेयर अप करना होगा इस जैसा फिनिशिंग आने के लिए। ये एप्लीकेशन आपको इसलिए दिखाया कि आपको पता चले कि ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश से ये पर्टिकुलर जो फाउंडेशन बटन वाइल्ड का है वो आप अगर ब्लेंड करोगे तो आपका फिनिशिंग कैसा होगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर फिनिशिंग करना बाकी है, मैं ज़रा कर लूँ। तो हाँ, तो अभी चलिए मैं चलती हूँ अपनी फीडबैक की तरफ। तो ये था मेरा फोटो फोकस फाउंडेशन वेज एंड वाइल्ड का एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत अपनी काजल लगाया है, मैंने अपनी लिपस्टिक लगाया है, और
थोड़ा बहुत कंसीलर लगाया है, जो कि मेरा फिनिशिंग लुक ये आया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फोटो फोकस फाउंडेशन वेट एंड वाइल्ड का है, क्यों अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। मेरा खुद का ऑयली स्किन है और पर वन है कि ये लगाने के बाद जो भी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग हैं वो बहुत स्वेट करते हैं, तो ये लगाने के बाद आपका स्वेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेट करती हूँ। तो ये फाउंडेशन लगाने के बाद मेरा स्वेटिंग एकदम नहीं है। मेरा जो रूम है, इस रूम में खाली एक सीलिंग फैन चल रहा है, और अगर मैं कोई दूसरा फाउंडेशन लगाती तो अभी तक मेरा जो स्किन है पूरा एकदम पानी पानी हो जाता, मैं बहुत स्वेट करती। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, मैं करीबन 10 से 15 मिनट हो चुका है ये फाउंडेशन एप्लीकेशन करने के बाद, और सामने भी मेरा एक ज़बरदस्त लाइट रखा हुआ है जिसका जो पावर है सीधा मेरे मुंह में आ रहा है, और अगर मैं दूसरा फाउंडेशन यूज़ करती तो अभी तक मेरा पूरा मुंह पूरा बिखर जाता, मेकअप पूरा बिखर जाता। लेकिन ये फाउंडेशन लगाने के बाद अभी तक मेरा जो फाउंडेशन है वाइप आउट नहीं हुआ है और मेरा स्वेटिंग अभी तक नहीं हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद पर्सनली बहुत दिन नहीं हुआ है कि मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, 2.5-3 साल हुए हैं कि मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैं पर्सनली बहुत बीबी और सीसी क्रीम की मुरीद हूँ, फैन हूँ। मैं ब्यूटी बेनिफिट और कलर करेक्टर क्रीम बहुत लगाती थी, उसके बाद मैंने 2.5-3 साल से ही फाउंडेशन लगाना शुरू किया है। और ये जो फाउंडेशन है वेट एंड वाइल्ड रेंज का बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, और मेरा जो शेड है ये ब्रॉन्ज बेज है। ये फाउंडेशन का दूसरा फीडबैक ये है कि आपका फेस को केकी नहीं करता है। अब जो भी बंदा या जो बंदी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन में पड़ता है या पड़ती है, वो बहुत अच्छी तरह समझ पाएगा या पाएगी कि फाउंडेशन लगाने के बाद ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है, ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन से ज़्यादा केकी हो जाता है। लेकिन अगर आप सही फाउंडेशन लगाते हैं, ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली फाउंडेशन है, इसके हाई एंड बहुत फाउंडेशन है जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मैं नाम नहीं लूँगी अभी क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फीडबैक वीडियो करने के लिए अभी बैठी हुई हूँ। लेकिन आप अगर मार्केट रिसर्च करोगे, गूगल रिसर्च करोगे, तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा अच्छा ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपका फाउंडेशन मार्केट में या नायका में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा है, अगर आपका बजट उतना नहीं है, मैं बता दूं इसका जो प्राइस है कितना है, एक सेकंड, इसका जो प्राइस है ये 599 है, प्लस इसके ऊपर मेरे नायका में थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिला था, कोई ऑफर चल रहा था, तो आई थिंक मुझे ये 530 या 550 में मुझे मिल गया था। तो अगर आपकी 600 भी बजट होता है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, और इसमें आपका फेस केकी नहीं होगा और आपको स्वेट नहीं होगा। ये दो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कि फाउंडेशन यूज़ करने के बाद बहुत स्वेट होता है, बहुत केकी हो जाता है, लेकिन ये फाउंडेशन में ये दो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर आप थोड़ी बहुत स्वेट करते भी हैं तो आपके पास, आप अगर थोड़ी बहुत, हम लोग थोड़ी बहुत ब्रश कैरी कर सकते हैं, या फिर आप एक कॉम्पैक्ट कैरी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा डैप कर ले तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा फाउंडेशन में जो होता है कि आपका जो स्वेट एरिया होता है, हमारा जो ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन का प्रॉब्लम है कि स्वेट एरिया जो ये है, ये हमारा टी जोन का स्वेट एरिया है, ये स्वेट एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा केकी होता है, फाउंडेशन ऐसे मेल्ट हो जाता है, वो आपका इस फाउंडेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ज़रा आपको अपने फेस को कैमरा की तरफ जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी फाउंडेशन लगाया है, अभी तक मुझे कोई भी स्वेटिंग नहीं हो रहा है, 15-20 मिनट हो गया है। मैं 2-3 घंटे या 4-5 घंटे के बाद फिर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये फाउंडेशन कितना अच्छा है। हे गाइस, तो अभी
ऑलमोस्ट 4 घंटा हो गया है। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया, थोड़ा बहुत मैंने टीवी देखा, मैंने बहुत बार हाथ से ऐसे ऐसे किया अपने फेस को, लेकिन मेरा जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो ये है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी थोड़ा बहुत मुझे स्वेट हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जगह जो टी जोन है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर्टिकुलरली स्वेट होता है। तो वो सब जगह मैंने ऐसे हाथ से कर लिया था, लेकिन ओवरऑल मेरा जो फाउंडेशन है वो एज इट इज है, वो अभी तक वाइप आउट नहीं हुआ है। तो बजट फ्रेंडली फाउंडेशन के हिसाब से तो फोटो फोकस फाउंडेशन जो है वेट एंड वाइल्ड का, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ये चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है वहाँ पे हिट कीजिए, तो कि मेरा जो वीडियोज का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और मेरा आपसे मुलाकात होगा फिर कभी फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल के बारे में। बाय बाय।